नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेला गया टेस्ट मैच रोमांच से भरा हुआ था। मैच के पांचवें दिन जब टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी थी तो टीम इंडिया मुश्किलों में थी। पंत और ईशांत का विकेट गिर जाने के बाद टीम इंडिया पर भारी दबाव था, लेकिन इसके बाद शमी और बुमराह के बीच जबरदस्त पार्टनरशिप हुई, जिससे न सिर्फ टीम इंडिया ने मैच में वापसी की बल्कि दोनों की पार्टनरशिप ने टीम इंडिया को विनिंग पोजीशन पर भी ला दिया। दोनों ने 9 विकेट के लिए 89 रनों की साझेदारी कर दी और इंग्लैंड को भारत ने 272 रनों का टारगेट दे दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम सिर्फ 120 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस मैच में इतने उतार चढ़ाव देखने को मिले जिसने क्रिकेट के रोमांच को चरम पर पहुंचा दिया। खेल आखिरी सेशन तक गया था और एक समय लग रहा था मैच कहीं ड्रॉ ना हो जाए, लेकिन टीम इंडिया गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया को 151 रनों से बड़ी जीत दिला दी। भारत ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में पहली जीत दर्ज की और टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने लॉर्ड्स में अब तक 19 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से टीम की ये तीसरी जीत रही। लॉर्ड्स टेस्ट में भारतीय ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल को उनकी शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। भारत को इस टेस्ट मैच में जो 151 रनों से जीत मिली, उसका आधार केएल राहुल ने पहली पारी में 129 रन बनाकर तैयार किए थे। केएल राहुल ने जबरदस्त जुझारूपन दिखाते हुए पहले दिन टीम इंडिया को 364 के स्कोर तक पहुंचाने में मदद की थी। उन्होंने 250 गेंदों पर 129 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 12 चौके और 1 छक्का लगाया था और उनकी शानदार पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। वो लॉर्ड्स में मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बन गए। लॉर्ड्स में टेस्ट क्रिकेट में केएल राहुल से पहले साल 1979 में दिलीप वेंगसरकर को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला था। वो लॉर्ड्स टेस्ट में भारतीय बल्लेबाज के तौर पर ये खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे। इसके 41 साल बाद एक बल्लेबाज के तौर पर लॉर्ड्स में अब केएल राहुल ने कमाल किया है। हालांकि इस बीच साल 1980 में कपिल देव ने इस मैदान पर कमाल किया था और फिर साल 1986 में कपिल देव दूसरी बार यहां प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने में कामयाब रहे थे। 1986 के बाद लॉर्ड्स में 2014 में ईशांत शर्मा ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता था। कपिल देव ऑलराउंडर थे, वहीं ईशांत शर्मा गेंदबाज। लॉर्ड्स में बतौर भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल ये कमाल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।